सरकारें भले ही लाख दावे करें सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की, भले ही लाख दावे हो आमजन को डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल बनाने की, लेकिन भला ऐसे में कैसे उन लोगों को डिजिटल कहा जाए जिन्हें एक चिट्ठी या एक डाक तक भेजने के लिए अपने विकास खंड और तहसील से इतर दूसरी तहसील का रुख करना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा बिष्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस तहसील में डाक विभाग की कोई सेवा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि डाक विभाग यहाँ पिछले एक महीने से केवल शोपीस बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थराली तहसील मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूरी पर बने डाकघर थराली की, जहाँ पिछले महीने लगभग एक महीने से रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जरूरी चिट्ठियां स्पीड पोस्ट कराने आते हैं, आरडी जमा कराने आते हैं, तो कुछ राष्ट्रीय बजट पत्र बनाने भी आते हैं, लेकिन आखिरी दिन भर लाइन में मशक्कत और लाइन में खड़े रहने के बाद जवाब में कनेक्टिविटी ना होने का रोना रोया जाता है। देश कितना डिजिटल हो रहा है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डाकघर का मॉडम आकाशीय बिजली से जलने के कारण खराब हो चुका है और रिपेयरिंग के लिए चेन्नई भेजा जा चुका है। लेकिन डाक विभाग के उच्च अधिकारियों की जानकारी में विभाग के पास विकल्प के तौर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे डाकघर थराली की व्यवस्था तब पटरी पर लाई जा सके जब तक कि खराब मॉडम रिपेयर होने ना आ जाए। स्थानीय लोगों और डाक विभाग के खाता धारकों ने बताया कि लगभग एक महीने से लगातार डाकघर थराली के चक्कर लगाने के बावजूद भी उनका जमा पैसे उन्हें नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से ना तो डाकघर थराली में वित्तीय लेन देन हो रहा है, ना ही NSC बन पा रही है और ना ही स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की सुविधा मिल पा रही है। एक महीने हो गए हैं और मैं पिछले एक महीने से पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं है। अब कनेक्टिविटी आई तो उन्होंने बीच में काम नहीं करा, फिर उसके बाद दोबारा गया तो कह रहा कि मॉडम जल चुका है और काम नहीं हो पा रहा है। मैं तकरीबन 1.5 महीने से पोस्टमैन ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, फिर मेरा काम नहीं हो पा रहा है। शिकायत आप करते हैं जवाब? मैंने शिकायत करी है, लेकिन वही वो कह रहे हैं कि भाई हमारा मॉडम जला हुआ है और हमने चेन्नई भेज रखा है। रोजाना मैं डेली चक्कर मारा हूँ पोस्ट ऑफिस का, डेली जाता हूँ एक चक्कर, लेकिन वो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। उनके दरवाजे भी 11 बजे तक बंद रहते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस 10 बजे खुल जाता है, 11 दरवाजे फिर भी बंद रहते हैं। क्या जवाब है? स्टाफ पूरा वही है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, दरवाजे उनके हमेशा बंद मिलते हैं। 11 बजे भी मैं गया हूँ, 11 बजे तक उनके दरवाजे बंद हैं। एक डिजिटल इंडिया का सपना। मैं विगत 15 दिनों से लगातार पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कि आज पोस्ट ऑफिस का मॉडम जल गया है, आज काम नहीं हो रहा, सर्वर डाउन है। विगत इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, हमारी जो रजिस्ट्री है, स्पीड पोस्ट है, जितने MIS है और RD जो जमा होती है ये भी जमा नहीं हो पा रही है, और एक नॉर्मल सी स्पीड पोस्ट के लिए हम लोगों को नारायणगढ़ तक जाना पड़ रहा है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं अगर ऐसी है तो कर्मचारी यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस चीज़ का सवाल उठता है। क्षेत्रीय जनपद उसे बोला गया, पर उनकी जवाब जो पोस्ट मास्टर के रहते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस वालों के रहते हैं वो संतोषजनक नहीं थे। वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो नेटवर्क के ऊपर डाल देते हैं। इसमें ना कोई स्पीड पोस्ट हो पा रही है यहाँ पर, ना कोई रजिस्ट्री हो पा रही है। सरकार बात करती है यहाँ पर डिजिटल इंडिया की, तो अभी यहाँ पर पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस संबंध में। खुद मैंने यहाँ पर अभी कुछ दिनों से मैं चक्कर लगा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का। जवाब पोस्ट मास्टर साहब से बात करो, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कंप्लेन करो, वो कंप्लेन नंबर पे कोई फ़ोन भी नहीं उठाता है यहाँ पर, जो नंबर इनका दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर की तर्ज पर भले ही सरकार ने डाक विभाग की भी प्रोन्नति कर दी हो, लेकिन डाक विभाग को आज भी उसी हाशिए पर रखा हुआ है जिस पर भारतीय डाक विभाग वर्षों से चला रहा है। डाकघर थराली में जब लोगों को हो रही समस्या का कारण जानने के लिए हमने डाकघर के पोस्ट मास्टर से कारण जाना, तो मालूम चला कि इस महीने 7 फरवरी को आकाशीय बिजली की वजह से डाकघर का मॉडम जल गया था। वहीं पौड़ी सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी के सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र भारती ने कहा कि डाकघर थराली में आमजन की समस्याओं को दूर करने के लिए विभागीय सक्षम अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा और अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो जन आंदोलन भी किया जाएगा। डाक सेवाएं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अति आवश्यक सेवाओं में से एक है, बावजूद इसके थराली के लगभग 25,000 से 30,000 खाता धारक जो डाक विभाग से जुड़े हैं इन दिनों केवल अपना ही पैसा निकालने और जमा करने के लिए सारा दिन केवल डाकघर के ही चक्कर काट रहे हैं।
आमजन स्पीड पोस्ट या डाक रजिस्ट्री के लिए थराली से 17 किलोमीटर दूर नारायण बगड़ का चक्कर लगा रहे हैं। ये हाल केवल थराली का ही नहीं है, खराब कनेक्टिविटी के चलते देवाल डाकघर और नारायण बगड़ डाकघर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। जो ये बताने के लिए काफी है कि वाकई जिस डिजिटल इंडिया की वाहवाही बटोरते सरकार थकती नहीं है, उस डिजिटल इंडिया की स्थिति पहाड़ों में कैसी है। वहीं डाकघर थराली में आमजन को हो रही समस्याओं पर डाकघर थराली के पोस्टमास्टर के एस कठेत ने बताया कि 7 फरवरी को मॉडेम जल जाने की वजह से सिस्टम नहीं चल पा रहा है और आए दिन बीएसएनएल की ओएफसी केबल काट जाने की वजह से सर्वर डाउन हो जाता है, जिसके चलते स्पीच पोस्ट अन्य सेवाएं बाधित हो रही है। उन्होंने बताया कि विभागीय उच्च अधिकारियों को वे इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन मॉडेम रिपेयरिंग के लिए चेन्नई भेजा जा चुका है। मॉडेम का इसके अलावा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण ये कह पाना मुश्किल है कि कब तक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी। बिजली कड़कने से मॉडेम जल चुका है और मॉडेम पोस्ट ऑफिस का भी मॉडेम जल गया है, उससे जो कनेक्टेड मॉडेम टेलीफोन एक्सचेंज में था वो भी जल चुका है। उस मॉडेम को यहाँ से जो सिस्टम है, जो नियम है, उसके हिसाब से उसको चेन्नई भेज दिया गया है। जब तक मॉडेम नहीं आ पाते हैं तब तक जो है NSPO में जो मुख्य हमारा जिससे हमारा डाकघर का काम चलता है वो सिस्टम हमारा तब तक बंद पड़ा हुआ है और हमने इसकी पूरी सूचना टाइमली आपने जो है डाकघर अधीक्षक को और दूसरा यहाँ पर इसी बीच में सडनली जो हमारा सर्वर है ये सर्वर हमारा खराब हो चुका है। इसकी रिपोर्ट भी हमने जो है डाक अधीक्षक को बिशोर को भेज दी तत्काल और जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है उसको खोल ही नहीं पा रहे। सर्वर खराब होने से सिस्टम ही नहीं खुल पा रहे हैं। जब सिस्टम ही नहीं खुल पा रहा है, हमारा सिंक नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर हम कोई भी डाक पंजीकृत डाक को बुक नहीं कर पा रहे। जिस मॉडल उसके अल्टरनेट के लिए तो यहाँ पर तो कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है और हमने इसकी रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को करी हुई है और ऐसा ज्ञात हुआ है कि हमारे जो डिविजनल ऑफिस है उन्होंने भी जो टाइमली सेकेंड ऑफिस को भेज दिए देहरादून को और हमारे उच्च अधिकारियों से फ़ोन पर वार्ता होने के बाद ये पता चला कि ये मॉडर्न जो है देहरादून में भी उपलब्ध नहीं है और इसकी व्यवस्था जो है सर्किल ऑफिस भी जो है अपना डायरेक्टिव को अपनी करस्पॉन्डेंस कर रहा है कि इसको टाइम से उपलब्ध कराया जाए। बैंकिंग सेवाएं भी इससे कम हमारे पर यहाँ पर ये तहसील लेवल का डाकघर है, फिर 20-25 हज़ार हर किस्म के खातों को जोड़ा जाए तो 20-25 हज़ार खाते हमारे पास है जो है इसमें जो है प्रभावित हैं। ये महीना इनकम टैक्स का महीना है और इनकम टैक्स की वजह से कर्मचारियों पर भी आम पब्लिक का बहुत ज़बरदस्त दबाव है। लोग आपके पास आते हैं? लोगों को तो यहाँ तक क्योंकि लोगों को बारीक नॉलेज इंटरनल काम का सिस्टम कैसे है इतना आम आदमी को जानकारी होती भी नहीं है, संभव भी नहीं है। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा उग्रित समय हो गए हैं कि भाई अब आज भी खराब है, कल भी खराब है, आदमी 10 दिन से खराब है, आदमी परेशान है, उसको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। आदमी यहाँ पर इतना ज़्यादा उग्र हो जा रहा है कि हम यहाँ पर जान का भी खतरा हो गया और यहाँ पर जो है कोई पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं है कि कर्मचारी अपना टाइमली यहाँ पर आ रहा है, अपना जो 8 घंटे की ड्यूटी है कर्मचारी 10-12 घंटा यहाँ पर सीटिंग दे रहा है, लेकिन जब सिस्टम ही ठीक नहीं है तो कर्मचारी कैसे ठीक करे। सर्वर की बात की, ये जो मॉडेम जला हुआ है उसको CP कंपनी के द्वारा ही आगे भेजा गया था वो उनकी जिम्मेदारी में, हालांकि डाक विभाग के उसको जो है स्पीड पोस्ट पार्सल से उसको भेजा गया है, लेकिन CP कंपनी के जो टेक्निकल थे उन्होंने यहाँ पर उसको जब उसको देखा उसकी जांच की तो उन्हीं के द्वारा बताया गया कि ये सिस्टम जल चुका है, खराब हो चुका है। लगभग कितने कि ये मेरी कार्य क्षमता के अंदर है ही नहीं, मैं ये नहीं कह सकता है कि कल आ जाएगा 10 दिन बाद जाएगा। इसकी जानकारी के लिए आपको हायर ऑफिस के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो लोग शायद कुछ बता पाए। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर, खबर से लेकर असर तक।